तो इस झरने का नाम तो हमें नहीं पता है ना? पता नहीं, पानी का नदी का नाम भी नहीं पता है। चैनल तो मेरा नाम गरिमा है और मैं ऑयल पेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाती हूँ एंड ट्रैवलिंग पे भी, लेकिन अभी तो ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना, बट होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर मी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ट्रैवल सून एंड इन दिस वीडियो यू विल वॉच मी पेंट द फॉरेस्ट पेंटिंग दैट इज राइट बिहाइंड मी, दैट्स ऑन द बैक। सो आई पेंटेड दिस ऑन अ बिग कैनवस। यूजुअली आई डोंट वर्क विद सच अ बिग कैनवस बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग करनी होती है एंड बड़े कैनवस पे काम करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मेरी पेंटिंग ख़त्म नहीं हो पाती, इसलिए मैं छोटे कैनवस पे काम करती हूँ। बट दिस टाइम एज आई वॉज एट होम फॉर लॉन्ग, सो आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन बिग कैनवस। तो एक्चुअली ये पेंटिंग ही मुझे इंस्पिरेशन मिली उड़ीसा से। सो आई वेंट टू गोंडा घाटी एंड ये वहाँ की वैली की बहुत एक सुंदर फोटो है। अगर मेरे पास कोई वीडियो होएगी वहाँ की अभी भी, सो आई विल शो यू द प्लेस इन द वीडियो। इट वॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ईस्टर्न घाट्स एंड आई टुक दिस पिक्चर। द रिवर वॉज फ्लोइंग एंड द ट्रीज वर यू नो शाइनिंग ब्राइट ग्रीन। इट वॉज मॉर्निंग टाइम, सो आई गॉट इंस्पायर्ड एंड मैंने ये पिक्चर ली एंड मैं उस पिक्चर से इंस्पायर्ड होकर ये पेंटिंग पेंट कर रही हूँ। इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट वीडियो ऑन बोंडा ट्राइब यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेरे चैनल पर वीडियो है बोंडा ट्राइब्स के ऊपर एंड द प्लेस नेम मलकानगिरी जहाँ पर मैं गई थी। सो यू कैन वॉच माई उड़ीसा सीरीज अबाउट मलकानगिरी एंड यू विल गेट सम आइडिया अबाउट द प्लेस। सो जो वीडियो है वो सारा कुछ इसी जगह का है जहाँ की ये पिक्चर है। सो आई रियली वॉन्टेड टू पेंट इट, सो आई एम पेंटिंग इट नाउ एंड लेट्स जस्ट डाइव राइट इन टू द वीडियो नाउ एंड टॉक अबाउट पेंटिंग एंड टॉक अबाउट पेंटिंग रियलिज्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर। तो इस वीडियो में मैं बोंडा घाटी का जो एक वैली का सीन है वो पेंट करने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीन कलर, अबाउट रियलिज्म, अबाउट द लोकेशन एंड हाउ आई पेंट रियलिज्म एंड अबाउट ब्लेंडिंग एंड एवरीथिंग, माई टेक्निक्स, व्हाट आई डू, व्हाट आई नॉट एंड हाउ आई गेट इंस्पायर टू पेंट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। सो सबसे पहले मैंने पेंट करा स्काई बिकॉज जो चीज़ दूर होती है हमसे, मुझे वो चीज़ सबसे पहले पेंट करना पसंद है। इसकी एक वजह ये है, तो मैं अक्सर सबसे पहले स्काई पेंट करती हूँ। स्काई पेंट करने के लिए आई एम यूजिंग ब्लू कलर एंड वाइट कलर। और उसके बाद मैंने घाटी को पेंट करना शुरू करा, तो इसके लिए हमने जो घाटी दूर दिख रही है, जो हमारी नज़रों से बहुत दूर है, वहाँ पे थोड़ा ब्लू का रिफ्लेक्शन है बिकॉज आसमान की वजह से एंड वहाँ पे थोड़ा डार्क ग्रीन कलर है। तो इसलिए जब आप रियलिज्म पेंट करते हो तो आपका जो कलर है वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होती है, अगर आप उसको ध्यान से नोटिस करना चाहो तो। जैसे जौन सी घाटी का पार्ट दूर है वहाँ पे उसमें थोड़ा सा ब्लू का इफ़ेक्ट आएगा और आप जैसे जैसे पास आओगे वहाँ पे कलर्स चेंज हो जाएंगे येलो, ब्राउन और ग्रीन की तरफ। और ये भी डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है एंड व्हाट स्काई इज़ डूइंग। लेकिन मैं इस पेंटिंग में इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ जो मैं देख रही थी। तो अभी मैं पेंट कर रही हूँ फर्स्ट लेयर। तो आप फर्स्ट लेयर में याद रखिए कि आप अपनी पेंटिंग को जज मत करिए बिकॉज़ ये जो अभी मैं पेंट कर रही हूँ, जो आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैसी है। लेकिन अगर मैं इसको जज करूँगी तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी। आई वॉन्ट बी एबल टू पेंट सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर बिकॉज मुझे अब जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तो मैं इसको अब अगर बैठ के जज करूँ तो मुझे कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिल रही, क्योंकि सब कुछ इतना बेकार लग रहा था फर्स्ट लेयर में। लेकिन अगर यही जजमेंट मैंने पेंटिंग करते टाइम करी होती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो आप जब भी फर्स्ट लेयर पेंट कर रहे हो उसको जज मत करो, जितना मर्जी वो बेकार लग रहा है, इट्स ओके। स्टार्टिंग में योर पेंटिंग विल लुक मैसी। ये सिर्फ मेरे साथ ही आपके साथ नहीं होता, ये दुनिया में सबके साथ होता है। इट्स हाउ पेंटिंग वर्क
एंड अगर सच बोलूँ तो जब भी पेंटिंग ख़त्म हुई सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्क्स दैट आई हैव एवर डन. तो अभी मैंने थोड़े थोड़े रॉक्स भी पेंट करे हैं इधर उधर, लेकिन इस पेंटिंग में सबसे हार्ड पार्ट था रॉक को पेंट करना मेरे लिए. लाइक यू विल सी, जैसे जैसे वीडियो आगे चल रही है आप वैसे वैसे देखेंगे कि बस बुरी हालत हो गई थी मेरी जब मैंने रॉक्स पेंट करना शुरू करा. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जब आप फॉरेस्ट को पेंट करते हो उसमें बहुत सारा ग्रीन कलर यूज़ होता है एंड ग्रीन इज़ अ डेंजरस कलर. अगेन ग्रीन के साथ काम करना इतना आसान नहीं है. अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो इट कैन रुइन योर पेंटिंग विदाउट एनी फॉरगिवनेस. आई बिलीव दैट ग्रीन एक बहुत सुंदर अर्दी कलर है, इसको बहुत प्यार से बहुत देखभाल से इसको यूज़ करना पड़ता है. तो जो लीफ पेंट करते हैं हम, जो इल्यूजन लीफ का हम पेंट करते हैं, उससे पहले आपका बैकग्राउंड पूरा मतलब ब्लैक होना चाहिए अक्सर, ऑलमोस्ट हर टाइम. तो बेसिकली अभी मैं वही कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू कवर अप द कैनवस विद द कलर्स दैट आई एम सीइंग बिहाइंड द लीफ. तो जो शेडो एरिया में जो जो कलर मुझे दिख रहे हैं मैं उससे पूरा एरिया कैनवस का अभी पेंट कर रही हूँ फर्स्ट लेयर में. सो आई गेट माई बेस डन. तो अब वो ख़त्म हुआ तो हम आ गए हैं सेकेंड लेयर की तरफ. और सेकेंड लेयर में मैं दोबारा से स्काई पेंट कर रही हूँ. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पेंटिंग थी, इस पेंटिंग में मेरे लिए जो मैं बेस बनाती हूँ अपनी पेंटिंग का, वो एक्चुअली सेकेंड लेयर में जाके बना. फर्स्ट लेयर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया था टू मैप आउट द बेसिक वैल्यू ऑन द कैनवस. तो सेकेंड लेयर में मुझे एक बेस मिला जहाँ से आई स्टार्टेड टू पेंट मोर सीरियसली. तो इस लेयर में भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफाइन सम कलर वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग मोर एक्यूरेटली. जो मेरे से फर्स्ट लेयर में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई उसको ध्यान में रखते हुए मैं सेम प्रोसेस से सिर्फ इसमें भी ज़्यादातर कलर प्लेस कर रही हूँ ताकि कैनवस अच्छे से ओपेक कलर में बहुत कवर रहे. बिकॉज ऑयल पेंटिंग में कलर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ये वाटर कलर की तरह नहीं है कि आपका कैनवस ट्रांसपेरेंट दिख सकता है. यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो मैं बस वही कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू गिव डेप्थ इन द बेस ऑफ माई पेंटिंग. और अगर आप इसमें ज़्यादा रूल्स लगाने की कोशिश करोगे जब आप जंगल को पेंट करते हो तो आपका सर घूम जाएगा. इसलिए ज़्यादा ध्यान रखिए आपकी कलर किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो. तो ये जो लोकेशन है पूरा ये मैंने खुद देखा है. मैं यहाँ पे गई हूँ, मैंने इस पे फिल्म किया है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है. वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. बोंडा घाटी के ऊपर वीडियो है वो. तो ये वही सेम लोकेशन है मैं पेंट कर रही हूँ. मुझे वो जगह इतनी पसंद आई कि मुझे पता था दैट आई विल पेंट इट वन डे. तो मैंने किया ऑफकोर्स. ये वही पेंटिंग है वहाँ की. एंड दिस पेंटिंग इज़ अवेलेबल ऑन सेल. मैं पहले कन्फ्यूज़ थी कि इसको मैं सेल करूँ या ना करूँ, लेकिन नाउ आई डिसाइडेड दैट इट्स ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई. अगर सेल हो गई हो गई, नहीं हुई तो मैं अपने पास ही रख लूँगी. दिस इज़ नाउ सेकेंड लेयर एंड एज यू वॉच मी पेंट दिस पेंटिंग, इवन जब मैं ये पेंटिंग पेंट कर रही थी तो मुझे सेकेंड लेयर पर आके ऐसा लगा कि ओके नाउ आई कैन मेक द जजमेंट. जब मैंने इस पर फर्स्ट लेयर पर वर्क करा मुझे तब भी ऐसा नहीं लगा था कि आई कैन स्टार्ट टू पेंट एंड बिल्ड डिटेल्स नाउ. तो मेरी एक्चुअली फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर इस पेंटिंग में बोथ वर लाइक फर्स्ट लेयर टू मी. बिकॉज सेकेंड लेयर जब यहाँ पर ख़त्म हुई तब मुझे अपनी पेंटिंग का बेस मिला. तो जो इस पेंटिंग में सेकेंड लेयर है दैट्स व्हेन आई यू नो बेसिकली बिल्ड द बेस ऑफ दिस पेंटिंग. एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू यू नो मोल्ड द पेंटिंग इनटू शेप, इनटू अ लैंडस्केप, इनटू अ फॉरेस्ट, इनटू अ ट्री व्हाट आई वाज सीइंग. तो अब हम बढ़े थोड़ा पानी की तरफ. हमने पानी को थोड़ा ठीक करा, जहाँ जहाँ कलर दिख रहे थे वहाँ वहाँ वैसे कलर डाले. और ब्लेंडिंग नहीं कर रही हूँ अभी मैं. अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा ब्रश जिस जगह मैं पेंट कलर लेके जाती हूँ कैनवस पे, मेरा ब्रश वहाँ पे एक या दो बार ही आगे पीछे, मतलब आई मेक स्ट्रोक. मैं ज़्यादा बार वहाँ पे
काम नहीं कर रही हूँ ब्रश से सिर्फ एक या दो बार, तो आई एम ट्राइंग नॉट टू ओवर ब्लेंड। एंड मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर में आराम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पेंटिंग को एक्चुअली मुझे करने में तीन महीने लग गए पूरे एंड एक महीना एडिटिंग में। तो ये सारा जो पेंटिंग, इस पेंटिंग से रिलेटेड काम है, इसको टोटल 4 महीने लगे, बहुत मेहनत लगी है मेरी। तो अभी जब मैं पेंटिंग देखते देखते वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं उसी तरीके से बोल रही हूँ जिस तरीके से मेरा दिमाग काम कर रहा था जब मैं इस पेंटिंग के ऊपर काम कर रही थी। मैं आपको सेम तरीके से समझाना चाह रही हूँ। तो अब हम आए हैं थर्ड लेयर की तरफ एंड आई एम जस्ट सेटिंग अप माई स्टूडियो, नथिंग एल्स, बिकॉज मैं कुछ 10-15 दिन बाद आई थी इस पेंटिंग पे वापस। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था 10 दिन का कुछ, बिकॉज मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था इस पेंटिंग की तरफ। बिकॉज लाइक आई सेड, ग्रीन इज़ अ डेंजरस कलर, मेरे को डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो दोबारा से आई एम गिविंग सम डेप्थ अगेन टू द स्काई एंड इट्स डोमिनेटिंग, वाइट कलर बहुत ज़्यादा है, वाइट इज़ डोमिनेटिंग ऑन द स्काई एंड उस हिसाब से ही आप ग्रीन कलर देख रहे हो घाटी पे। जिस तरह से स्काई है उसी की ही वैल्यू है पूरी पेंटिंग में ऑफ कोर्स, जहाँ द सोर्स ऑफ लाइट, सब कुछ पेंटिंग में क्या है, द सोर्स ऑफ लाइट। एज आई एम वर्किंग माई वे विद द थर्ड लेयर एंड द फोर्थ लेयर एंड मैनी लेयर्स अहेड, सो आई एम ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल विद माई डिटेल्स, वेरी केयरफुल विद माई वाइट, एंड आई एम ट्राइंग टू फोकस दैट आई शुड नॉट ओवर ब्लेंड द पेंटिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो डिटेल्स हैं वो मैं उसको एंड के लिए, पूरे एंड के लिए छोड़ दूँ। अभी मैं डिटेल्स पर अपना दिमाग नहीं लगाऊँ बिकॉज इट कैन रुइन दिस होल पेंटिंग ड्रामेटिकली। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट द राइट कलर वेयर इट इज़ नीडेड इन द पेंटिंग। तो अब मैं आई हूँ घाटी की तरफ। जैसे मैंने बोला, इसमें थोड़ा ग्रीन का वैल्यू डार्क है, ब्लू इज़ डोमिनेटिंग द फार एरिया ऑफ द माउंटेन। अगर आप क्लोजअप देख रहे हो, इट इज़ डिफरेंट देन द ब्राइट फॉरेस्ट ग्रीन, बिकॉज स्काई की वजह से उसका रिफ्लेक्शन, थोड़ा लाइट का असर, एंड वो दूर है थोड़ा हमसे इसलिए। एंड नाउ आई एम गिविंग सम डेप्थ टू द पेंटिंग अगेन। मैं थोड़े पत्ते पेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं डिटेल नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट पेंटिंग द शेप जैसे मुझे दिख रही है। मैं एक एक चीज़ को पत्ते की तरह नहीं पेंट कर रही हूँ एंड मैं फैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं इस जगह गई थी, तो ये इस जगह की लोकेशन है, तो यू कैन रिसेंबल इट फ्रॉम द वीडियो। आई हैव वेरी ग्रेट मेमोरी विद दिस प्लेस, मुझे बहुत मज़ा आया था। एंड नेचर रोड बहुत खराब है। एंड अगेन मैंने जो भी पत्ते पेंट कर रहे हैं उसके लिए मैंने बहुत हद तक फैन ब्रश ही यूज़ करा है ज़्यादा। एंड वो इसलिए बिकॉज जब आप फॉरेस्ट पेंट कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब अलग अलग नहीं है, सब कुछ मिक्स्ड अप है, तो फैन ब्रश इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज उसमें आपको एक एक लकीर नहीं मारनी है, यू कैन लिटरली ड्रॉ द शेप। आपको जिस तरीके से कलर दिख रहे हैं बिखरे हुए इधर उधर, अगर आप उसको उस डायरेक्शन में, उस मूवमेंट में चलाओगे फैन ब्रश को, तो वो खुद ब खुद पेड़ का शेप ले लगा, वो अपने आप लीफ को पेंट कर देगा। जैसे आप थोड़ी देर में देखोगे, यहाँ पे मैं एक एक लीफ पेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कलर को उसकी जगह प्लेस कर रही हूँ एंड मैं ब्रश को उस तरीके से मूव कर रही हूँ जिस तरीके से मुझे फ़ोटो में दिख रहा है। मान लो अगर कोई पत्ता लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो मैं उस पत्ते को लेफ़्ट से राइट जाते हुए नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ फैन ब्रश से उस तरीके से उसको मूव कर रही हूँ कि कलर मेरा लेफ़्ट टू राइट जाए और उसी शेप में जाए। तो जब अब मैंने उस पेंटिंग को दूर किया है, तो आप देख सकते हो जो बुशेस हैं वहाँ पे पेड़ के आगे, दे आर स्टार्टेड टू लुकिंग राउंड एंड इन शेप एंड ब्यूटीफुली, दे आर कमिंग आउट ब्यूटीफुल। एंड इस मोमेंट में मुझे पेंटिंग बहुत पसंद आने लगी।
तो बस यही ध्यान रखिए कि आप ओवर ब्लेंड मत करो, एक एक लकीर मत बनाओ पत्तों की, एंड यू विल बी गुड विद द पेंटिंग। अपने आप आपको जंगल दिखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। एंड अब मैं नदी की तरफ आई हूँ एंड मैं पानी को पेंट कर रही हूँ। जिस तरीके से मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं, हाईलाइट दिख रहे हैं, शेडो दिख रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी मैं सिर्फ नदी में भी कोई शेप नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं कलर वैल्यू पुट कर रही हूँ उस जगह बिना ब्लेंड करे। एंड उसके बाद दोबारा से आई केम टू अदर पार्ट ऑफ द पेंटिंग, दैट इज़ राइट साइड। मैं राइट साइड के पेड़ को थोड़ा डेप्थ दे रही हूँ। यहाँ पे मेरे से थोड़ी अभी गलती हो गई, मैंने ज़्यादा लाइट कलर पेंट कर दिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बट इट्स ओके, थोड़े टाइम बाद मैं उसको फिक्स कर दूंगी। इट्स लाइक नॉट अ बिग डील। पेड़ के पीछे भी कुछ झाड़ियाँ हैं तो मैंने उसमें थोड़े से डिटेल्स दिए, थोड़ा कलर वैल्यू जाके ठीक करा वहाँ पे भी। एंड थर्ड लेयर में ये पेंटिंग थोड़ी अच्छी दिखने लग गई, मतलब लाइक दूर से अगर आप खड़े होके देखो तो दिख रहा था कि घाटी में से नदी निकल रही है, एंड उस चीज़ की पेंटिंग है। तो मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था इस पेंटिंग में काम करना, एंड आई वॉज रियली 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 इन्जॉइंग द प्रोसेस। और आई थिंक अब ऑलमोस्ट ये थर्ड लेयर ख़त्म होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ लेयर। एंड इस पेंटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी लेयर्स में काम किया है मैंने। तो या अब हम आएंगे फोर्थ लेयर की तरफ। राइट नाउ आई एम एट फोर्थ लेयर ऑफ दिस पेंटिंग, तो अभी पेंटिंग पूरी ख़त्म नहीं। अब हमने स्टार्ट किया फोर्थ लेयर एंड मैं उस पेड़ के उस पार्ट को फिक्स कर रही हूँ जहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलतियाँ हुई थी। आई एम ट्राइंग टू फिक्स द कलर वैल्यू देयर, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं। तो उसके बाद मैं गई लेफ़्ट साइड में पेंटिंग की तरफ, दूसरे पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं लेमन पेंट कर रही हूँ या बॉटल पेंट कर रही हूँ, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट वन पेंटिंग लैंडस्केप एज होल। तो जी हाँ, मैं गई लेफ़्ट साइड की तरफ एंड अगेन मैंने थोड़ी डेप्थ दी पेंटिंग को, थोड़े और डिटेल्स दिए, थोड़ा और हाईलाइट दिया। तो आपको एक जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि लैंडस्केप कौन पेंट करता है, बहुत बोरिंग होते हैं, मुझे तो लैंडस्केप पेंट करना बहुत पसंद है। एंड कैन यू गेट बोर ऑफ नेचर? आई डोंट थिंक, मुझे नेचर की खूबसूरती बहुत पसंद है। और लाइक मैं आई डोंट नो, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, आई ट्रैवल, आई डू मैनी वर्क, बट पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है दैट आई कम बैक ऑलवेज। लाइक मैं पेंटिंग को करने के लिए दोबारा से हर बार वापस आ जाती हूँ एंड मुझे कुदरत पेंट करने में बहुत सुकून मिलता है। तो आई cannot गेट बोर्ड ऑफ इट, मैं ओल्ड फैशन में ओल्ड मास्टर्स की तरह हमेशा इसको पेंट करने की कोशिश करती रहूँगी। हेलो एवरीवन, सो आई एम सॉरी फॉर गेटिंग इन द वीडियो इन बिटवीन, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो ये पेंटिंग है इसमें एक पार्ट ऐसा है जो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद बिल्कुल पेंट नहीं करा, वो एक पोर्शन है पेंटिंग में, मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो मैंने इस पेंटिंग में टोटल अभी तक 4 लेयर पेंट कर ली हैं, लेकिन उस पार्ट में मैंने शायद फर्स्ट या सेकेंड लेयर के बाद बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, वो बिल्कुल फ्रेश नवा है, फर्स्ट लेयर में जस्ट दिख रहा था वैसे ही है। तो अभी मैं सिर्फ उस पर फोकस करने वाली हूँ और आज का दिन मैं वो पार्ट पेंट करूँगी। तो अभी मैं आपको कैमरा टर्न करके वो पार्ट दिखाती हूँ। तो ये बात बतानी थी, तो इसलिए मेरे को ऐसे आना पड़ा पेंटिंग की वीडियो के बीच में। तो यहाँ पर डिटेल्स हैं बहुत सारी, लेकिन जो ये पार्ट है ना, इतना एरिया ये मैंने बिल्कुल पेंट नहीं करा है। तो ये अब मैं पेंट करने जा रही हूँ। सो अब हम आ गए हैं फिफ्थ लेयर की तरफ, और जैसा मैंने आपको बोला
कि जो रॉक्स थे वो मैंने बिल्कुल पेंट नहीं करे, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया, बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ब्राउन कलर है सब, और मुझे नहीं पता बहुत सारे रॉक्स थे, मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था इसको पेंट करने में, तो मैंने इसको उस टाइम छोड़ दिया था ऐसे ही। एंड आई एम सॉरी, मेरे कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी बस, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। मैंने ब्राउन कलर से बस रॉक्स की शेप बनाई थी एंड बस अब मैं उसमें हाईलाइट डाल रही हूँ और इस तरीके से उसको पेंट कर रही हूँ कि वो रॉक्स की तरह ही दिखे एंड कुछ और ना दिखे, बिकॉज सिर्फ मुझे पता है कि एक डेढ़ महीने के लिए मैंने रॉक्स पे पेंट ही नहीं किया कुछ, मेरे को इतना अजीब लग रहा था। बट एनी वेज आई सक्सीडेड टू पेंट रॉक्स एंड काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, अगर मैं अब देख रही हूँ तो स्क्रीन में इतने बुरे नहीं दिख रहे। तो जी हाँ, मैंने फिफ्थ लेयर में रॉक्स को पेंट करा दोबारा से एंड पानी में डिटेल्स दिए। आई थिंक मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि सिक्स्थ लेयर हुई है कि नहीं, बट अगर नहीं लिखा तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फिफ्थ लेयर से ये फुटेज स्टार्ट हो रही है, इसके बीच में सिक्स्थ लेयर भी है, क्योंकि इस पेंटिंग को टोटल सिक्स लेयर लगी थी कंप्लीट होने में। तो मैं शायद भूल गई हूँ डालना कि सिक्स्थ लेयर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जी हाँ, इसमें सिक्स्थ लेयर भी है। हुआ ये था कि सिक्स्थ लेयर में मैंने सिर्फ कुछ कुछ जगह पे मतलब डिटेल्स दिए थे, पूरी पेंटिंग में नहीं दिए थे, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन इस पेंटिंग को टोटल सिक्स लेयर लगी हैं। इट वॉज़ वेरी टफ पेंटिंग भाई, 3 महीने लग गए। सो अब मैं पानी में लहरों को थोड़ा डेप्थ दे रही हूँ वाइट कलर से, ये प्योर वाइट नहीं है, दोबारा से मैं बोलना चाहूँगी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं प्योर वाइट यूज़ नहीं करती, और ये बात बिल्कुल सच है, मैं प्योर वाइट यूज़ नहीं करती। एंड अगर आप भी प्योर वाइट को अवॉइड करोगे तो आपकी पेंटिंग लाख 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 गुना बेहतर दिखेगी। तो या कि मैं अभी पानी में लहरें बना रही हूँ, लहरों में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी, उसको मैंने बाद में थोड़ा फिक्स किया। एंड या इट्स ओके, गलतियाँ होनी अच्छी बात है। ऑयल पेंटिंग में ये बात भी अच्छी है कि आप कभी भी वापस आके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हो। तो ये एंड स्टेज है ऑलमोस्ट इस पेंटिंग का एंड मुझे पेंटिंग बहुत पसंद आई। मेरे को लगता है कि 3 महीने जो भी मैंने इस पेंटिंग को दिए हैं, ये पेंटिंग उसकी हकदार थी, जैसा इट टर्नड आउट इन द एंड, मतलब आई एम रियली हैप्पी विद इट। तो एंड मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से वॉइस ओवर में कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग को देख रही हूँ एंड जो मैं कर रही थी पेंटिंग पे मैं वो समझा रही हूँ, तो मुझे पूरी 3 महीने की फीलिंग आ रही है कि सब कैसे हुआ, तो मैं उसी तरीके से अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो या पूरा पेंटिंग को देखते देखते, मतलब मेरे को कुछ भी दिमाग में रटा नहीं हुआ है, सिर्फ जैसा जैसा हुआ, जो जो हुआ, जो जो यादें हैं इस पेंटिंग से, मैं उसी तरीके से बोल रही हूँ। एंड हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ी लहरों को ठीक कर रही हूँ जो मेरे से गलतियाँ हुई थी एंड आई एम ट्राइंग टू गिव सम डेप्थ। थोड़ी झाड़ियों के पीछे भी पानी दिख रहा था एंड ऊपर वाला पेड़ थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने उस पर वाइट कलर कर दिया था एंड अब मैं उसको दोबारा से यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। एंड अब ये पेंटिंग ऑलमोस्ट आई थिंक ख़त्म है, ये वीडियो होने वाली है। एंड या लास्ट में मुझे पेंटिंग बहुत पसंद आई एंड एवरीथिंग वाज नाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। सो ये पेंटिंग यहीं ख़त्म हुई, ये बहुत लंबी वीडियो थी। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड मेक श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप पेंटिंग। हैप्पी पेंटिंग। बाय बाय।